ये 21वीं सदी है, मनुष्य चांद तारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत में बड़े तो क्या, छोटे शहरों तक जात पात का भेदभाव समाप्त हो चला है। बावजूद इसके झारखंड के एक गांव से जो तस्वीर सामने आ रही है वह चौंकाने वाली है। यह तस्वीर देखकर आप यही कहेंगे कि ये सभ्य समाज का आचरण नहीं हो सकता। जातिवाद और छुआछूत का यह विभत्स चेहरा है, वह भी राज्य की राजधानी रांची के निकट। रांची जिले के सीली के नवाड़ी में गरीब और दलित आज भी इस कुप्रथा के शिकार हैं। गांव में दलितों को कुआं से पानी भरने की इजाजत नहीं है। हैरान कर देने वाला सच है यह। ये दलित हैं तो अपनी प्यास किसी बड़े जाति के कुएं से नहीं बुझा सकते। नतीजा यह है कि ये कुएं और नालों के पानी से अपनी प्यास बुझाने के लिए विवश हैं। इस तरह की मानसिकता से यहाँ समाज में द्वेष और क्लेश पैदा हो रहा है। यहाँ की ऊंची जाति के लोगों का मानना है कि इन लोगों ने कुएं से पानी निकाला तो कुआं अशुद्ध हो जाएगा। हालांकि कभी कभी या विशेष मौक़ों पर ऊंची जाति के लोगों की मर्जी से ही उनके कुएं से दलितों को पानी मिल जाया करता है। स्थिति यह है कि कई बार गर्मियों में नदी नाले सूख जाने पर दलित परिवारों को ऊंची जाति के लोगों से मांग कर पानी पीना पड़ता है। गांव के दलितों का पूरा दिन पानी के जुगाड़ में गुजर जाता है। कुएं पर खड़े होकर ये लोग दिन भर बाट जोहते हैं कि ऊंची जाति का कोई व्यक्ति कुएं पर आए जिससे वे एक बाल्टी पानी मांग सके। इस छोटे से गांव में 3 दलित परिवारों के 19 सदस्य रहते हैं। आसपास कुछ दूरी पर कुछ और भी परिवार हैं। इनके मोहल्ले में सरकारी चापानल, बोरिंग या कुएं की कोई इंतजाम नहीं है। यही इनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। यह गांव चांगड़ू पंचायत अंतर्गत आता है। पंचायत में सभी ऊंची जाति के सदस्य हैं। उन्हें कभी इन गरीबों और दलितों का ख्याल तक नहीं आया कि उनके पानी की समस्या को दूर की जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि ये दलित परिवार के सदस्य पूरे दिन कुएं के पास खड़े रह जाते हैं कि कोई ऊंची जाति वाला आए तो उससे पानी मांग ले। कई बार तो ऊंची जाति वाले इन्हें डांट डपट कर भगा देते हैं। कभी इनका मूड अच्छा हुआ तो थोड़ा पानी मिल जाता है। गांव के निकट एक स्कूल के पास दाढ़ी है जिससे पानी मिल सकता है, परंतु वह भी ऊंची जाति वालों के जमीन पर है। इस संबंध में चांगड़ू पंचायत की मुखिया सरिता मुंडा का कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वहीं यहां के वीडियो पावन आशीष लकड़ा के मुताबिक उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। गांव में पेयजल की व्यवस्था के लिए तुरंत आदेश निकाला जाएगा।